मंदिर दर्शन। आज हम आए हैं श्री कलेश हरण द्वार, अहमदनगर खीरी। निर्माण वर्ष 2001 वर्ष 2014। ये गोला जाने वाली रास्ता है और ये खुटार जाने वाली रास्ता है और ये अहमदनगर गांव है, क्योंकि ये अहमदनगर पे पड़ता है। तो हम चलेंगे अंदर और देखेंगे अपना मंदिर। ये बजरंगबली महाराज की एक मूर्ति है। ये मंदिर का पूरा सीन है। पीपल के पेड़ लगे हुए हैं। यहाँ पे प्रसाद वगैरह भी मिलता है। हम चल रहे हैं अंदर और देख रहे हैं अपना मंदिर। और यहाँ हम परिवार सहित हम लोग आए हुए हैं कथा सुनने के लिए। काफ़ी भक्तजन भी यहाँ पे हैं। और यहाँ पे रुकने के लिए एक रूम भी है। चल रहे हैं अंदर और देखेंगे अंदर। और यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति भी है। रामचंद्र भगवान, सीता भगवान, सीता मैया, लक्ष्मण भगवान, हनुमान भगवान। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हरियाली भी है, पेड़ बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं यहाँ पे। ये देखिए काफ़ी अच्छे लगे हुए हैं। यहाँ की हरियाली देख के मन खुश हो जाता है। शिव जी का मंदिर है कलेश हरण। कलेश को हरण करने वाले कलेश हरण भगवान। ओम नमः शिवाय। यहाँ पे शिव जी की शिवलिंग हुई है। ओम नमः शिवाय। कलेश को हरने वाले कलेश हरण बाबा महाराज की जय। और यहाँ पे आरती लिखी हुई है शिव जी की। यहाँ पे काफी ज्यादा हरियाली है, फूल लगे हुए हैं।
पेड़ और पौधे, पेड़ पौधे और फूल के पौधे, बहुत अच्छा लगता है। नज़ारा भी बहुत अच्छा है इसका, लोकेशन भी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे जितने भी भक्तजन हैं वो यहाँ पे रामायण कथा आदि कार्य करवाया करते हैं, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है। और आज अमावस्या है, इस कारण हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं कथा सुनने के लिए। काफ़ी अच्छा मंदिर है, यहाँ पे हम लोग कथा सुनने के लिए आए हुए हैं। दीदी कुछ कहना चाहेंगी? आज का था हमारा वीडियो जो कि था मंदिर दर्शन का। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगी मंदिर दर्शन की। और जितने भी लोग देख रहे हैं या फिर देखेंगे वो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।